हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम टॉपिक इट इज इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या क्या बातें लिखी हैं तो सबसे पहले द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर रिएक्शनियज कॉल्ड्रीट्री किसके बारे में डील कर रही है सबसे पहले स्टडी किस किस कर रही है प्रिपरेशन के बारे में प्रॉपर्टीज की उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रक्चर के बारे में और उनके रिएक्शन जो है मेटीरियल के, के साथ कैसे कैसे हो रही है ये सब चीजें वी विल स्टडी इन केमिस्ट्री और केमिस्ट्री डील्स विद कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड इंटरक्शन ऑफ मैटर एंड इज ऑफ मच यूज टू ह्यूमन बींग्स इन डेली लाइफ तो केमिस्ट्री और किस किसके किस साथ डील कर रही है हमारे साथ कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज इंटरैक्शन ऑफ मैटर किस तरीके से हमारे मैटर की इंटरेक्शन हो रही है मैटर हैज सॉलिड लिक्विड एंड गैस एंड इज ऑफ मच यूज टू ह्यूमन बींग्स इन डेली लाइफ तो दीज एक्सपेक्ट्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एंड अंडरस्टुड इन टर्म्स ऑफ बेसिक कंस्टिटुएंट्स ऑफ मैटर दैट आर Basic that is, है पास क्या है it is atoms and तो सबसे पहले हैं, में देख लेते हैं, पास क्या होते हैं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर क्या है हमारे पास एटम्स एलिमेंट क्या होते हैं हमारा अ प्योर सबस्टांस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम दैट इज एलिमेंट एलिमेंट मीन

ठीक है आगे और हम देखते हैं जिससे आपको और अच्छा समझ आए तो कंपाउंड कंपाउंड के बारे में देखते हैं क्या होता है इज इज कंपाउंड दैट मेड फ्रॉम द एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड जो कि टू या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनाओ उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इससे एग्जाम्पल देखिए एच टू ओ वाटर वॉटर किस से बना होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ठीक है मिथेन मिथेन किससे बना हुआ है इट इज मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन मिथेन सी एच फोर ठीक है और शुगर शुगर किससे बना होता है इसका इज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ठीक है Carbon, hydrogen, oxygen, और शुगर इज कितना इसमें हमारे पास क्वांटिटी होती है कार्बन इज ट्वेल्व हाइड्रोजन ट्वेंटी टू एंड ऑक्सीजन इज इलेवन ठीक है तो हमारे पास दिस वन इज कंपाउंड फर्दर अगर आप और इसको अच्छे से देखना चाहें तो वी कैन सी अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो आपक्यूल क्या होता है एलिमेंट क्या होता है कंपाउंड क्या, क्या होता है इट इज नोन एज एटम ठीक है देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिकल मेड ऑफ सेवरल एटम्स को कंबाइन करके जो हमारे पास बनता है इट इज मॉलिक्यूल ठीक है जैसे हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे अगर इमेजिन करो ये हमारे पास टू एटम्स कंबाइन हुए इसको आप इमेजिन कर सकते हो दिस वन इज टू ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो गया मॉलिक्यूल और एलिमेंट क्या होता है हमारे पास अ दैट कंसिस्ट ऑफ द ओनली टाइप ऑफ एटम्स जो एक ही टाइप के हमारे पास एटम्स से बनता है इट इज नोन एज एलिमेंट एलिमेंट का एग्जाम्पल आपको पीछे भी, भी मैंने दिया है एक ही एलिमेंट से बनेगा हमारे पास दैट इज एक ही टाइप के ऐटम से बनेगा इट इज एच टू एन टू गोल्ड ठीक है

और अगर और अच्छे से देखना चाहे तो आप, आप और देख सकते हो एलिमेंट क्या है दैट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू एनी सिंपलर इज कार्बन हो गया ऑक्सीजन हो हो गया hydrogen हो गया हाइड्रोजन ठीक है ये हमने पीछे भी एग्जाम्पल देखे हैं एटम हमारे पास क्या है बेसिक यूनिट है मैटर की और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका एलिमेंट का ठीक है अगर कार्बन में देखना चाहे हम अगर स्मॉलेस्ट हमारे पास बेसिक इसकी यूनिट क्या है तो हम बोलेंगे कार्बन ठीक है अगर ओटो में देखें तो हमारे पास इसका बेसिक यूनिट हमारे पास क्या है इट्स ऑक्सीजन तो वॉटर हमारे पास इट इज कमिंग अंडर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास वाटर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ठीक है फिर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या है पार्टिकल मेड ऑफ टू और मोर एटम्स ज्वाइन टूगेदर ठीक है एग्जाम्पल देखो वॉटर मॉलिक्यूल अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या है हाइड्रोजन इज एटम ऑक्सीजन एटम एटम्स कंबाइन करके दे आर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल ठीक है अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है सी टू होता है कार्बन डाइऑक्साइड इज सी ओ टू तो हमारे पास सेंटर में क्या है कार्बन कार्बन एटम ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन एटम्स आर हियर दिस वन इज ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन एटम ठीक है ये सब कंबाइन करके दे आर फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ठीक है ग्लूकोज सेम लाइक दिस वे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ग्लूकोज हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ठीक है आगे आ जाओ इसमें हम आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में क्या है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड ऑल्सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद दीज चेंजेस तो ब्रांच ऑफ साइंस किसके साथ डील कर रही है जो कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर कैसा है उनका प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे उनके फीचर्स कैसे हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है उनका मैटर के बीच में और एनर्जी उनके साथ किस तरीके से चेंज हो रही है ये सब चीजें हमारे अंदर केमिस्ट्री के आती हैं तो इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस केमिस्ट्री हमारा सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है और अलग अलग ब्रांचेस के साथ भी मिलके अलग हमारे साथ एक स्टडी कर रहा है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज अलग अलग एरियाज कौन कौन से जैसे वेदर पैटर्न हो गया फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन हो गया ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर हो गया प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज मैनुफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स एल्किज एसिड्स सॉल्ट डाइज पॉलीमर्स ड्रग्स सोप्स डिटर्जेंट्स मेटल्स एलॉयज एटसेट्रा इंक्लूडिंग न्यू मटीरियल इन सब ब्रांचेस के साथ केमिस्ट्री रोल प्ले कर रहा है तो केमिस्ट्री हर जगह इंपॉर्टेंट है ठीक है फर्दर केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स और और इन्होंने अपॉर्चुनिटी कौन सी दी केमिस्ट्री ने कि हमारी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको आइसोलेट करना नेचुरल सोर्सेज से ठीक है और उनको सिंथेसाइज करना ये सब चीजें पॉसिबल हुई हैं थ्रू केमिस्ट्री और इनका एग्जाम्पल क्या है कुछ ड्रग्स का जैसे सिस ठीक है सिस्प्लाटिन टेक्सोल ये हमारी जो ड्रग्स हैं किस चीज में यूज होती हैं कैंसर थेरेपी में ठीक है और ड्रग एजेटी जेड टी ए जेट टी इज एजीडोथमायडीन ये हमारे किसपे यूजफुल होती है एड्स के लिए ठीक है ये एड्स पेशेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है एजेटी जस्ट फॉर रेफरेंस इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या होता है सिस्प्लाटिन का और टेक्सोल ठीक है हमारे पास यहाँ पे सिस्प्लाटीन जस्ट फॉर रेफरेंस आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर नहीं है अभी अभी हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही कर रहे हैं फर्दर आपके जो आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें हम इसका डिटेल में स्टडी करेंगे पर अभी जस्ट रेफरेंस के लिए आप देखिए स्ट्रक्चर इसका सिस्प्लाटीन का ठीक है प्लाटिनम क्लोरिन क्लोरिन एंड अमोनिया अमोनिया ठीक है टेक्सोल टेक्सोलिस सी फोर्टी सेवन एच ऑक्सीजन फोर्टीन एंड नाइट्रोजन ठीक है फर्दर हमने एक और ड्रग पढ़ी थी ट इज एज टी उसका है सीट एन एच थर्टीन एन फाइव ओ फोर जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए आपके लिए ठीक है फिर आ जाओ सेफर ऑल्टरनेटिव टू एनवायरमेंटली हजारड रेफ्रिजरेंट्स लाइक सी एफ सी क्लोरो फ्लोरोबन ठीक है

नॉन फ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं कंटेनिंग आइटम्स ऑफ कार्बन क्लोरीन फ्लोरिन ठीक है और क्या करते हैं सी एफ सीज सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं स्टेटोस्फेयर जो हमारे पास लेयर होती है और उसमें क्या करते हैं ब्रेक डाउन द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं ये ब्रेक डाउन तोड़ रहे हैं ठीक है अ लेयर ऑफ गैस दैट शील्ड्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम डैमेजिंग यूवी रेयर तो जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्या कर रही है यूवी रेयर से हमें प्रोटेक्शन दे रही है अर्थ को पर जो ये सी एफ सीज है ये उस ओजोन लेयर को ब्रेक कर रही है ठीक है आगे आ जाइए इसमें है नेक्स्ट हमारा टॉपिक इज नेचर ऑफ मैटर अब करते हैं नेचर ऑफ मैटर के बारे में मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास जो भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसका मास होगा उसको हम बोलते हैं मैटर ठीक है मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी फिजिकल स्टेट्स है मैटर की इट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस ठीक है

इसमें क्या है कंपेरेटिव टू सॉलिड्स इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है वीक फर्दर अगर हम इसको यहाँ पे देखें स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस ठीक है सॉलिड्स में क्या है दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम जैसे यहाँ पे ब्रिक का एग्जाम्पल लिया है ठीक है इसमें क्या है डेफिनेट शेप है डेफिनेट वॉल्यूम है ऑल पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टूगेदर क्लोजली पैक्ड है क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज आपस में ठीक है अब लिक्विड्स में क्या है देखो लिक्विड्स हैव एन इनडेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम जरूर है पर उनका शेप नहीं है क्यों क्योंकि लिक्विड को हम जिस बीकर या वेसल में डालेंगे वो उसी की शेप अटेन कर लेगा ठीक है और पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज टुगेदर और पार्टिकल्स क्या है इसमें ज्यादा क्लोज नहीं है क्योंकि इनके पास थोड़ी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं अब गैसेस में आ जाइए गैसेस हैव गैसे है एन इनडेफिट शेप एंड इन वॉल्यूम ना शेप और ना वॉल्यूम इसका डेफिनेट होगा ठीक है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर है सारे हमारे पास गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ठीक है फर्दर जो हमारे पास सॉलिड लिक्विड और जो गैस है दीज आर इंटरकन्वर्टेबल कैसे अगर हम सॉलिड है सॉलिड को मेल्ट कर दें जैसे आइस है आइस को मेल्ट कर दें तो मेल्ट करके क्या बनता है उसका लिक्विड ठीक है पानी बन गया फिर उसके बाद लिक्विड को हम हीट करें तो वो इवेपोरेट होकर गैशियस फॉर्म में आ जाएगा ठीक है तो सॉलिड लिक्विड और गैस सिमिलरली इंटरकन्वर्टेबल दैट इज गैस को अगर हम कंडेंस कर दें तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ठीक है वेपर्स कलेक्ट करके कंडेंसेशन प्रोसेस है ठीक है उसको हम कलेक्ट करेंगे गैसेस uh, को तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा इसकी गैस हमारे पास इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू लिक्विड बाय कंडेंसेशन देर वर्ड लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू सॉलिड बाय फ्रीजिंग लिक्विड ठीक है तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस डीज आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर ठीक है फर्दर इसमें क्या है हमारे पास जो मैटर है मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सबस्टांसेस एंड मिक्सचर्स तो प्योर सब्स्टांसिस और मिक्सचर्स में भी हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं किसको मैटर को ठीक है इसमें हम ऐसे देख लेते हैं आपको इसमें इजी लगेगा टाइप्स ऑफ मैटर में क्या है प्योर uh, सब्स्टांसिस और मिक्सचर्स तो प्योर सब्सटांस क्या होता है प्योर सब्सटांस कैन बी एन एलिमेंट ठीक है हमने पीछे स्टडी करा अभी एलिमेंट हमारे पास एग्जांपल लिया था हमने H2 हो गया N2 हो गया ठीक है जिससे एक ही आइटम से बनाओ और कंपाउंड ठीक तो है या तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है कंपाउंड का हमने एग्जाम्पल लिया था पीछे टू जो, जो, जो भी इंग्रेडिएंट्स है इसके प्योर सब्सटेंस के सेम रहेंगे थ्रू आउट चाहे वो अलग अलग सैंपल में भी हो पर वो सेम रहेंगे और एग्जांपल क्या है प्योर सब्सटेंस का जैसे वाटर शुगर गोल्ड एल्यूमिनियम दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस ठीक है फिर इसके बाद है हमारा मिक्सचर मिक्सचर में हमें क्या हो जाएगा नाम से आपको पता चल रहा है कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस ठीक है मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस तभी वी आर कॉलिंग इट एज मिक्सचर और दे कैन वेरी इन कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल और ये कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज वेरी करेंगे सैंपल टू सैंपल इसका एग्जाम्पल शुगर डिजॉल्ड इन टू वॉटर ठीक है ग्रेनाइट ब्रास ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक ठीक है चॉकलेट चिप कुकी ये हमारे पास वेरी करेगा सैंपल टू सैंपल एंड एयर ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ठीक है फर्दर मिक्सचर हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं होमोजीनियस है? और हिट्रोजीनियस ठीक है होमो मीन्स क्या होता है हमेशा याद रखें होमो इज सेम ठीक है और हिट्रो का मतलब क्या होता है इट स्टैंड फॉर डिफरेंट ठीक है इट इज डिफरेंट तो होमोजीनियस अगर आएगा तो ऑलवेज इट मस्ट हैव समथिंग सेम और अगर हिट्रोजीनियस आएगा तो इट मस्ट बी डिफरेंट ठीक है देखते हैं क्या है होमोजीनियस मिक्सचर क्या है सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी सेम रहेगी सेम कॉम्पोजिशन और होमोजीनियस मिक्सचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूशन इनको हम सोल्यूशन भी बोलते हैं एग्जाम्पल क्या है सोल्ट वॉटर सोल्यूशन सोल्ट वाटर सोल्यूशन एंड एयर ठीक है सोल्ट को अगर आप पानी में डालें तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है ठीक आप उसको डिफ्रेंशियट नहीं कर पाते हो बिल्कुल भी तो इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ये एयर हमारा इसे एक्साम्पल है हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है मिक्सचर इज नॉट द सेम थ्रू आउट द सैंपल जो मिक्सचर सेम ना रहे जिसकी कॉम्पोजिशन सेम ना रहे थ्रू आउट द सैंपल इट इज हिट्रोजीनियस एग्जाम्पल क्या है सैंड एंड वॉटर अगर आप हाँ पानी में सैंड डाल देंगे तो ऑब्वियसली आप डिफरेंशियट कर पाएंगे कि सैंड कहां है और पानी में सैंड कहां पे है ठीक है द हेवियर सैंड सेटल्स ट्रू द बॉटम ऑब्वियसली हेवियर जो सैंड है हमारे पास वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा ठीक है फर्दर मैटर मैटर में अगर हमारे पास क्या है ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम देख लेते हैं हल्का सा मैटर में क्या है अगर वी कैन सेपरेट इट ठीक है अगर सेपरेट कर सकते हैं दैट इज इफ यस वी कैन सेपरेट तो वो क्या बोलेंगे उसको मिक्सचर ठीक है और अगर सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो इट इज प्योर सब्सटेंस ठीक है और मिक्सचर में हमारे पास क्या है इज द कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म क्या कॉम्पोजिशन उसके यूनिफॉर्म है कि नहीं अगर है तो इट इज होमोजेनियस मिक्सचर जो हमने भी पीछे देखा उससे एग्जाम्पल एयर हो गया शुगर इन वॉटर ठीक है स्टेनलेस स्टील और दीज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स एग्जाम्पल अगर उसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है तो इट इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स ठीक है ग्रेनाइट हो गया वुड हो गया ब्लड हो गया दीज आर हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स अब आ जाओ इधर जो कि हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज प्योर सब्सटेंस प्योर में भी क्या है क्या वो डिकम्पोज हो रहा है और अगर हम नहीं हो पा रहा है वो डिकम्पोज देन इट मस्ट बी एलिमेंट्स एलिमेंट्स एग्जाम्पल गोल्ड एल्यूमिनियम ऑक्सीजन क्लोरीन ठीक है आई होप कि इससे आपको बड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा आ जाइए आगे देखते हैं क्या है इसमें फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड देयर मेजरमेंट्स ठीक है ये वाला टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है देआर एसोसिएटेड विद फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर ठीक है फिजिकल फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर दैट इज कि वो कैसा दिख रहा है कि इन बिल्ड कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी सब्सटेंस की जिसको हम ऑल्टर नहीं कर पाएंगे उसकी कॉम्पोजिशन को फॉर एग्जाम्पल हो गया कि क्या उसकी स्टेट ऑफ मैटर है कि सॉलिड है लिक्विड है ठीक है कलर क्या है उसका टेस्ट क्या है ऑर्डर स्मेल क्या है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी एटसेट्रा ये सब हमारे एग्जाम्पल है फिजिकल प्रॉपर्टीज के देन केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटांस टू फॉर्म न्यू सबस्टांसिस इधर बाय डीकम्पोजिशन और बाई रिएक्शन विद अदर सब्सटांसेस ठीक है कि किस तरीके से हमारे पास उसकी क्या एबिलिटी है वो न्यू सब्स्टांसिस क्रिएट कर रहे कैसे बनाएगा या तो डिकम्पोज हो जाएगा ठीक है या फिर अदर सब्सटांसेस के साथ रिएक्शन करेगा एग्जाम्पल है इसका एसिडिटी बेसिसिटी कंबस्टिबिलिटी एटसेट्रा ठीक है फिर है इसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई इन फ्रेंच सिस्टम इंटरनेशनली फ्रेंच में क्या बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनली और मैट्रिक सिस्टम इसको ये भी बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम सिस्टम ठीक है है क्या इज अ डेसिमल ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ मास क्या मेजर करते हैं मास लेंथ और टाइम ठीक है फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे पास एम एल टी ठीक है एंड अदर फिजिकल क्वान्टिटीज डिजायर्ड यूनिट अब देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या है एस आई सिस्टम हैज सेवन बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी बेसिक यूनिट्स है इसके पास फिजिकल क्वांटिटी देखो यहाँ टेबल बना हुआ से फिजिकल क्वांटिटी सिंबल फॉर क्वांटिटी दे रखा है नेम ऑफ यूनिट 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 एंड एंड सिंबल सिंबल फॉर ठीक है है लेंथ लेंथ के लिए क्या की मीटर ठीक है और सिंबल क्या है इसका मीटर का एम एम से डिनोट करते हैं ठीक है मास इसको हम किससे सिंबल लिखते हैं स्मॉल एम एम और इसके यूनिट्स है किलोग्राम और किलोग्राम को हम लिखते हैं के ठीक है टाइम टी

और इसका सिंबल क्या है एम ओ एल हम इसको एम ओ एल से डिनोट करते हैं देन लुमिनस इंटेंसिटी दैट दई बी यूनिट्स क्या है इसकी कैंडेला और इसको सिंबल क्या है सी डी ठीक है आप इसको टू थ्री टाइम्स रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा कि लेंथ मास टाइम करंट इन सबके के सिंबल क्या है यूनिट्स क्या है ठीक है ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा देन फर्दर ऐसा सिस्टम अलाउज द यूज ऑफ प्रिफ्सिस टू इंडिकेट द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट ठीक है ये क्या क्या है हमारे पास प्रिफिक्स देखो योक्टो योक्टो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं मल्टीपल कितना है इसका पावर माइनस ट्वेंटी फोर ठीक है एक्टो स्मॉल ए और टेन रिज टू दावर माइनस एटीन फेमटो एफ टेन रिज दावर माइनस फिफ्टीन ठीक है पी पी और टेन रेज टू द पावर माइनस ट्वेल्व ठीक है पावर माइनस नाइन माइक्रो इसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं ठीक है ये सिंबल इज मू टेन पावर माइनस सिक्स मिली एम से डिनोट करते हैं टेन की पावर माइनस थ्री सेंटी स्मॉल सी टेन की पावर माइनस टू ठीक है डेसी स्मॉल डी टेन की पावर माइनस वन डेका डी ए और टेन की पावर वन हेक्टो एच टेन की पावर टू ठीक है किलो के टेन की पावर थ्री मेगा एम टेन की पावर सिक्स गीगा जी कैपिटल जी और टेन की पावर नाइन टेरा टी टेन की पावर ट्वेल्व ठीक है पीटा पी टेन की पावर फिफ्टीन एक्सा ई टेन की पावर एटीन जीटा जेड टेन की पावर ट्वेंटी वन योटो 20 की पावर ट्वेंटी फोर ठीक है ये आपको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे फर्दर अपने यूनिट्स में चैप्टर में तो आपको ऑटोमेटिकली जब आप यूज करेंगे इन टर्म्स को तो आपको मेमोराइज हो जाएगी ठीक है तो आप ए, इसको टू थ्री टाइम्स आप इसको रीड आउट कर लो जो मेन मेन है इसमें वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जैसे किलो है नैनो है ठीक है ये सब चीजें यू यूज होती है इसमें ज्यादा अभी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे जब आगे फर्दर चैप्टर्स में तो आपको पता लगी जाएगा ठीक है नैनो हो गया पीको हो गया ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत थ्री फोर टाइम्स आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा फिर क्या है द मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ इनस्टांस एंड इज मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस ठीक है 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 मास हमारे पास क्या है? कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट सब्सटेंस में और हम इसको किससे मेजर करते हैं एनालिटिकल बैलेंस से और इसकी ऐसा यूनिट क्या है मास की हमारे पास किलोग्राम ठीक है और वेट जो हमारे पास है वेट ऑफ सब्सटेंस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ठीक है वेट हमारा किसकी वजह से होता है ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है फिर क्या है इसमें द मास ऑफ ए सबस्टांस इज कॉन्स्टेंट वेयर एज इट्स वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी मास हमेशा स्टेबल रहेगा ठीक है कॉन्स्टेंट रहेगा जो हमारा वेट होगा वो वेरी करेगा ठीक है आपको पता होगा कि जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है वो ज्यादा होती है एट द पोल्स ठीक है और इक्वेटर क्वेटर पे क्या होती है वो कम होती है ठीक है ये सब चीजेंगे आगे 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 हल्की सी इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए कि मास हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा और वेट हमारा वेरी करेगा क्यों वेरी करेगा क्योंकि जो इसकी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी होती है वो चेंज करती है पोल्स पे और इक्वेटर पे ठीक है और वॉल्यूम अब क्या है वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई अंस इट हैजनिट्स कौन सी यूनिट है इसकी लेंथ रेस टू द्री तो लेंथ की यूनिट की हमने भी पीछे देखा है इट इज मीटर्स मीटर क्यूब ठीक है पर हम केमिस्ट्री लैब्स में स्मॉल वॉल्यूम यूज करते हैं ठीक है स्मॉल वॉल्यूम यूज कर सकते हैं तो वॉल्यूम इसमें इस किससे डिनोट करेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब ठीक है ये इसकी यूनिट्स होंगी और वन लीटर इज इक्वल टू थाउजेंड मिलीलीटर और थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वन डेसीमीटर ठीक है ये या आप याद रखें कि थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वन डेसीमीटर क्यूब अब आ जाओ डेंसिटी डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इसकी यूनिट्स क्या है के जी पर मीटर क्यूब ठीक है और ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर ठीक है आपको पता है देखो मास क्या है इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है मास के यूनिट्स के जी के जी हो जाएंगे इसके ये वाले यूनिट्स क्या है के जी और वॉल्यूम के क्या है मीटर ठीक है अब हम मीटर को जब ऊपर लेके आते हैं तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है माइनस साइन आ जाएगा पे जैसे मीटर मीटर वॉल्यूम इज क्यूब ना तो ऊपर ऊपर आएगा आएगा और नेगेटिव साइन ठीक है जब ये आएगा, तो ऑब्वियसली इट कैरीज नेगेटिव साइन ठीक है और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कैलविन इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है या डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फेरानाइट ठीक है इनकी वैल्यूज देख लेते हैं डिग्री फेरानाइट में अगर आपने देखना है तो क्या होगा नाइन

और कैलविन का क्या है डिग्री सेल्सियस प्लस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव ठीक है अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं इमेजिन अगर हमें ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस दे रखा है ठीक है इसको फेरा में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे क्या हो जाएगा इसका नाइन बाई फाइव इंटू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस प्लस थर्टी टू ठीक है नाइन बाई फाइव इंटू ट्वेंटी हो गया इसको आप कैंसिल कर दो फाइव फोर ज्वेंटी सिक्स प्लस थर्टी टू इज इक्वल टू 68 ठीक है ये हमारा फेरनाइट में कन्वर्ट हो गया ठीक है सिमिलरली अगर हमने कैलविन में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करेंगे हम 20 डिग्री को एड कर देंगे 273.15 और हमारे पास ये क्वांटिटी जो आएगी इट इज इक्वल टू 293.15 ये हमारा कैल्विन में आ गया ठीक है और ये हमारा फेरनाइट में आ गया ठीक है ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डिग्री सेल्सियस को फेरनाइट में और कैल्विन में ठीक है अब आ जाओ आगे क्या है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट अब इसमें क्या है मेजरमेंट इज द क्वांटिटी डायमेंशन और एक्सटेंट ऑफ समथिंग यूजली इन कंपेरिजन टू अ स्पेसिफिक यूनिट ठीक है अ यूनिट क्या होती है यूनिट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी चोजन एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट एक हमें स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के लिए जो हमने हमें फिक्स किया होता है दैट इज नोन एज यूनिट ठीक है और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है इज द एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग एन इन टेन की पावर रेस टू द पावर एन ठीक है इसमें एन क्या है एन इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यूज इसकी हो सकती हैं और जो कैपिटल एन है हमारा इट कैन वेरी बिटवीन 1.00 से लेके नाइन से सो ऑन ठीक है ये वेरी कर सकता है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है इसका देखो ठीक है इसको अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो इसको इजिली हम वी कैन कन्वर्ट कैसे टू पॉइंट नाइन एट इन टेन की पावर फाइव ठीक है और वन थ्री जीरो फाइव नाइन सिक्स गिवन है ठीक है इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में तो कैसे करेंगे फर्दर किस हमने कितने डिजिट्स यहाँ पे हमारे पॉइंट के राइट हैंड साइड पे वन टू थ्री फोर फाइव टेन की पावर कितने जाएगी फाइव ठीक है ये बहुत ईजी है एग्जाम्पल आप इसमें देख लो कैसे है कि देखो यहाँ पे क्या करा हमने पॉइंट जीरो 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 टू नाइन एट ठीक है इसको हमने कैसे करा टू पॉइंट नाइन एट इंटू टेन की पावर माइनस फाइव ठीक है यहाँ पे शिफ्ट करा हमने टू पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगाया हमने वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है यहाँ पे पॉइंट लगाया तो हमने फाइव डिजिट्स के बाद पॉइंट इंट्रोड्यूस कर पावर माइनस फाइव हो जाएगा और यहां पे देखो यहां पे हमने वन यहां पे हमने पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक है और वन टू थ्री फोर फाइव फाइव डिजिट्स यहां पर है तो टेन की पावर कितनी हो जाएगी फाइव ठीक है फर्दर इसमें क्या है हम इसमें कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं ये वाली साइंटिफिक नोटेशन जैसे मल्टीप्लीकेशन में भी डिविजन में भी ठीक है एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है अगर हमारे पास एन वन इंटू टेन की पावर एन वन है, है इसको हम कैसे करेंगे पावर में है, पास हम इसको एक साथ कर लेंगे पावर गेट्स एडअप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन की पावर एन वन प्लस एन टू ठीक है क्योंकि बेस सेम था टेन की पावर पे था सब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और यहाँ पे क्या है फाइव पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर फाइव ठीक है into 10 की पावर एट इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखो फाइव पॉइंट सिक्स इंटू सिक्स प्लस एट ठीक है क्योंकि बेस हमारे पास सेम है तो पावर क्या होती है एडअप हो जाती है ठीक है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा इसमें आंसर आ जाएगा इसके बेसिस पे तो इन्होंने भी यहाँ पे ऐसी करा हुआ है देखो 5.6 है ना 10 की पावर बेसिस अगर सेम है तो पावर क्या होती है एडअप हो जाती है 10 की पावर 13 और एग्जाम हमारे पास इसका कैलकुलेट करके कितना आ गया 38.64 की पावर 13 फिर हमने इंट्रोड्यूस यहाँ पे क्या करा पॉइंट हमने आगे शिफ्ट कर दिया ठीक है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड 3.864 और हमारे पास 10 की पावर में एक और हमारे पास जीरो एड हो गया दैट इज फोर्टीन ठीक है क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट करा लेफ्ट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट

2.5 ठीक है और यहां पे हमारे पास क्या है बेस सेम है ठीक है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड जो साइन है वो एग्जैक्ट वैसे लिखना है ठीक है कोई चेंजेस नहीं करने हैं अब देखो 9.8 10 की पावर 2.5 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इसका हमारे पास आ जाएगा 24.50 और इसको सॉल्व कर लो 10 की पावर कितनी हो जाएगी -8 ठीक है प्लस माइनस क्या होता है माइनस प्लस इनटू माइनस इट विल गिव माइनस ठीक है तो दोनों के नेगेटिव नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएंगे पावर ऐड अप ठीक है तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर ठीक है और अगर हमने इसको 2.45 के टर्म में लिखना हो तो इसमें क्या हो जाएगी हमारे पास पावर एक 10 की पावर -7 ठीक है सिमिलरली हम इसको डिजन में यूज कर सकते हैं एन वन इंटू टेन की पावर एन वन डिवाइडेड बाय एन टू इंटू टेन की पावर एन टू ठीक है तो क्या हो जाएगा एन वन डिवाइडेड बाई एन टू इंटू टेन की पावर एन वन माइनस एन टू ठीक है क्योंकि हमारे पास डिवीजन में है तो यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है दोनों का तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगी एग्जाम्पल देखो टू पॉइंट सेवन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री फाइव पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर फोर ठीक है इसको देख लेते हैं टू पॉइंट सेवन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री फाइव पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर फोर ठीक है इसको एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे टू पॉइंट सेवन इंटू फाइव पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस थ्री माइनस फोर ठीक है क्योंकि तो नीचे नीचे डिवीजन में था तो ऊपर आके पावर का साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव ठीक है इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2.7 को डिवाइडेड बाय 5.5 को हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 0.4909 ठीक है और ये हमारे पास आ गया 10 की पावर माइनस सेवन ठीक है अब हम इसको 4.909 की टर्म में भी लिख सकते हैं और हमारे पास यहां पे आ जाएगा 10 की पावर माइनस एट ठीक है ये हमारे पास आंसर आ गया इसका फर्दर देखो इसमें एडिशन और सब्टन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको टू एड और टू सब्ट्रैक्ट द डेटा यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फर्स्ट डेटा टू बी एडेड और सब्रैक्टेड इज कन्वर्टेड इन टू फॉर्म हैविंग सेम एक्सपोनेंट एन ठीक है हम क्या करेंगे इसको डेटा को जिसको हमने ऐड करना है सब करना है उसके पास सेम एक्सपोनेंट की पावर होनी चाहिए एग्जाम्पल में देखो लेट इट बी एन वन इंटू टेन की पावर एन एंड एन टू इंटू टेन की पावर एन ठीक है तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास अगर ये दोनों में गिवन है तो हम क्या करेंगे एन वन प्लस एन टू ठीक है और इंटू टेन की पावर एन क्योंकि टेन की पावर वन कॉमन है दोनों में यहां पे देखो ठीक है और सेम हम सब्ट्रैक्शन में भी ऐसी करेंगे अगर यहां पे हमें नेगेटिव साइन दिया हुआ बीच में तो क्या करेंगे एन वन माइनस एन टू और कॉमन क्या दिया रखा है टेन की पावर एन ठीक है अब एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने फॉर एडिंग सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टेन की पावर फोर एंड एट पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन की पावर थ्री अगर हमने इनको एड करना है तो क्या करेंगे हम लोग एक्सपोनेंट इज मेड सेम फॉर बोथ द नंबर्स एक्सपोनेंट की टेन की पावर जो है वो दोनों की सेम होनी चाहिए अगर सेम नहीं है तो हमने उसको सेम बनाना है यहां पे देखो एट पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन की पावर थ्री थी ठीक है इसको सेम करने के लिए टेन की पावर फोर करने के लिए हमने इसको यहां पे एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करिए टेन की पावर फोर में ठीक है और यहाँ पे आ गया जीरो पॉइंट एट नाइन फाइव ठीक है और हमारे पास पावर एक इंक्रीज हो गई टेन की पावर फोर अब हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं नंबर्स को सिमिलरली कैसे जैसे सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव और कॉमन हमारे पास 10 4. Answer हमारे पास क्या की की आ गया हमारे ठीक है अब similarly, subtraction में भी हम कर सकते हैं same, same rule apply. Subtraction का हम देख लेते हैं और माइनस फोर पॉइंट एट इंटू टेन की पावर माइनस थ्री गिवन है ठीक है सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि हमें सेम एक्सपोनेंट चाहिए मै मीन्स हमें टेन की पावर सेम चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा जीरो पॉइंट फोर एट इंटू टेन की पावर माइनस टू अब हम यहां से माइनस कर देंगे टू पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फोर एट और कॉमन क्या आ गया हमारे पास टेन की पावर माइनस टू अब इसको सॉल्व कर देंगे दैट इज कितना आंसर आ जाएगा इसका टू पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर माइनस टू ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ठीक है तो हमने ये वाला क्या करा है इसमें हमने अप्लाई कर दिया दैट इज एक्सपोनेंट वाला रूल अब इसमें नेक्स्ट है हमारा प्रिसीजन पॉइंट है हमारा प्रिसीजन रेफर्स ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वानिटी वाइल इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट प्रिसीजन क्या मतलब है कि कितनी क्लोज हमारी बहुत सारी मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ले रहे हैं कितना क्लोज आ रहा है वो होता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी होगी ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं उसकी कितनी क्लोज हमारे पास कोई भी मेजरमेंट आ रही है उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी ठीक है इसमें हल्का सा हम देख लेते हैं थोड़ा सा और कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है? Of of आपस में कितनी आ रही है उनकी अगर हमारे पास कोई भी रीडिंग आ रही है फिर दूसरी आ रही फिर एक ऐसे. ये हमारे पास क्लोजनेस कितनी क्लोजनेस आ रही है मेजरमेंट्स की और एक्यूरेसी द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट्स टू द टारगेट और रेफरेंस वैल्यू इमेजिन हमें रेफरेंस वैल्यू दिया हुआ है टू पॉइंट फाइव ठीक है और हमारी मेजरमेंट आ रही है टू वन पॉइंट नाइन ठीक है ये वाली ये हमारी क्या है ट्रू वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू ठीक है और प्रोसीजन इज ऑफन रेफर्ड एज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोसिटेबिलिटी एरर ठीक है रिपीट रिपीटेडली फॉर्म में जो हम मेजर कर रहे हैं इट इज रेफर टू प्रोसीजन और एक्यूरेसी ऑफन एज बायस रिजल्ट ठीक है ये हम बायस रिजल्ट बोलते हैं कितना क्लोज आ रहा है हमारा उसके हम वो देखेंगे और प्रोसीजन इज गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स क्या करता है ये कंसिस्टेंट रिजल्ट्स लेता है रिक्युरसी इज मेजरिंग नियर द टारगेट और ट्रू और रेफरेंस वैल्यू ये हमेशा एक टारगेट और ट्रू वैल्यू के नियर बाय ही मेजरमेंट हम लोग चेक करेंगे अगर हम इस पे देखें तो आप देखो जहां पे हमारे डॉट पॉइंट्स सेंटर पे लगे हुए हैं तो यहां पे हमारे पास क्या है गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रसीजन देखो सेंटर में हमारे पास है ये वाला ठीक है अगर हम इसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं ट्रू वैल्यू माननी है ये है ही ट्रू वैल्यू यहाँ पे कि हमारे जो डार्क पॉइंट्स है यहाँ पे लगने चाहिए ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास डार्क पॉइंट लगे तो इसका प्रोसीजन भी अच्छा है और एक्यूरेसी भी अच्छी है ठीक है तो और यहाँ पे देखो हमारा की रिपीटेटिवली एक ही जगह पे डार्क पॉइंट्स लगे यहाँ पे तो इसका प्रोसीजन अच्छा है ठीक है क्योंकि रिपीट हुआ है बार बार तो ये प्रोसीजन अच्छा है पर एक्यूरेसी क्या है इसकी पुअर क्योंकि एक्यूरेसी में रेफरेंस वैल्यू क्या थी ये वाली ठीक है यहाँ पे कोई भी डार्क पॉइंट नहीं है तो इसकी पुअर एक्यूरेसी हुई है अब यहाँ पे देखो ट्रू वैल्यू हमारे पास ये है और ट्रू वैल्यू के पास में कुछ भी नहीं है डॉट पॉइंट्स और प्रोसीजन में भी नहीं होगा क्योंकि रिपीटेडली uh, रिजल्ट हमारे पास कोई भी नहीं आया कोई अलग अलग डायरेक्शन में गए हैं सारे डॉट पॉइंट्स ठीक है तो इसमें पुअर एक्यूरेसी और पुअर प्रोसीजन ठीक है और एग्जाम्पल देख लो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास जो पिंक शेड है ठीक है ये हमारे पास क्या है ट्रू वैल्यू ये वाला इस पे क्या है कोई भी हमारे पास पिंक जो पॉइंट है इसके आसपास कुछ भी नहीं वैल्यू दिख रही है ठीक है और सब अलग अलग है तो इसमें क्या हो जाएगा लो एक्यूरेसी लो प्रोसीजन और यहाँ पे देखो हमारे पास हाई एक्यूरेसी लो प्रोसीजन ठीक है क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे ज्यादा है और यहाँ पे हमारे पास लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रोसीजन क्योंकि रिपीटेटिव रिजल्ट एक साइड में ही है सारा ठीक है और यहाँ पे हमारे पास ट्रू वैल्यू के साथ ही है और रिपीटेड रिजल्ट भी वहीं पे आ रहा है तो हाई एक्यूरेसी और हाई प्रोसीजन ठीक है आई होप कि इन फिगर्स uh, से आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा प्रोसीजन और के रिगार्डिंग इन द मेजरमेंट्स अनसर्टेनिटी जो हमारे पास है हम उसको किससे डिनोट करेंगे नंबर्स किससे शो करेगा हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं दीज आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी ठीक है और द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट दैट इज अब इसके रूल्स हैं हम रूल्स देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम एग्जाम्पल देखेंगे उससे ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा क्या है इसके रूल्स रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है इसमें ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे ठीक है और एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जैक्ट नंबर हमारे पास कितने क्या होंगे उनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उनके पास ठीक है और जीरोज बिफोर नॉन जीरो डिजिट और बिफोर डेसिमल जीरोज जो होंगे बिफोर नॉन जीरो से पहले और डेसिमल से पहले वो सब क्या होंगे नॉन सिग्निफिकेंट नॉट सिग्निफिकेंट एंड जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो और आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट तो नो टू नॉन जीरो के बीच में जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे और नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने जीरो होंगे वो भी सब सिग्निफिकेंट होंगे प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट जो राइट right साइड के डेसिमल पॉइंट के होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा ठीक है ये देखो जरा इसमें फोर्टी फाइव नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स कितने होंगे टू ठीक है टू अब यहां पे पॉइंट जीरो फोर सिक्स इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए टू टू क्यों हुए हमारे पास रूल है कि हमारे पास जीरो जो है बिफोर यहां से देख लेते हैं क्या है जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट और बिफोर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट ठीक है ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो यहां से क्लियर हो रहा है हमारे पास कि यहां पे कितने हो जाएंगे ओनली टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ठीक है और यहां पे हमारे पास क्या है सेवन पॉइंट टू टू जीरो में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ठीक है क्योंकि जीरो जो यहां पे है वो राइट right साइड में है डेसिमल के तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट आप इससे क्लियर कर पा रहे हैं कंसेप्ट क्योंकि जो जीरो है वो हमारा कहां पे है राइट हैंड साइड पे तो इट इज सिग्निफिकेंट अगर लेफ्ट साइड में होता तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो फाइव जीरो जीरो टू ठीक है अब जो जीरोस हैं वो किसके बीच में टू नॉन जीरोस के बीच में तो जीरो भी क्या हो जाएगी सिग्निफिकेंट तो इसमें टोटल नंबर कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फोर वन टू थ्री फोर ठीक है अब क्या है थ्री एट जीरो जीरो थर्टी एट हंड्रेड इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स टू ठीक है ये टू क्योंकि जीरो इसमें काउंटेबल नहीं क्योंकि पॉइंट के जो राइट right साइड में होगा वही काउंटेबल है जीरो जो नॉन डेसिमल के के राइट साइड में जीरोस होंगे वो काउंटेबल नहीं है दे आर देफिकते हैं जीरो फाइव जीरो टू सिक्स इसमें हमारे पास राउंडिंग ऑफ है ये वाला भी हम कंसेप्ट देखते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा विद एक्साम्पल्स अब इसमें है तो रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द रिजल्ट

अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर ट्वेंटी फोर को जो हमने राउंड ऑफ करना है वो कितने एक डिजिट है थीके? तो इसलिए हमने आंसर को भी उसी के थ्रू करा है ट्वेंटी ठीक है अब मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं क्या रूल है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए आंसर इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दैट ऑफ लीज टर्म एक्साम्पल अगर हमें ये दिया हुआ इन्होंने थ्री पॉइंट टू फोर इंटू पॉइंट जीरो एट ट्रिपल सिक्स डिवाइड बाई फाइव पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स इसका आंसर आ हमारे पास पॉइंट जीरो फाइव फाइव फोर टू फोर और इसको राउंड ऑफ करेंगे क्या आ जाएगा पॉइंट जीरो फाइव फाइव रिटेनिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हमारे पास टू टू क्यों आई है क्योंकि जीरो हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे है ठीक है तो ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है और सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी सिर्फ टू ठीक है

तो प्रिसीडिंग नंबर जो होगा वो चेंज नहीं होगा ठीक है और अगर राइट मोस्ट डिजिट जो रिमूव करना है अगर वो फाइव ही है खुद ठीक है तो प्रिसीडिंग नंबर चेंज नहीं होगा अगर हमारे पास वो इवन नंबर होगा अगर वो हमारे पास और नंबर होगा तो वो वन से इंक्रीज कर जाएगा ठीक है ये रूल है इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग फिर ज्यादा पता चलेगा हमें एग्जाम्पल क्या है इसमें द नंबर देखोल्व पॉइंट थ्री सेवन एट वन सिक्स टू राउंडेड टू फोर सिग्निफिकेंट डिजिट अगर फोर सिग्निफिकेंट डिजिट में उसको राउंड ऑफ करना क्या हो जाएगा ये फोर सिग्निफिकेंट डिजिट ट्वेल्व पॉइंट यहाँ पे क्या है थ्री सेवन एट अब यहाँ पे जो एट है ये क्या है ग्रेटर देन फाइव ठीक है फाइव से बड़ा ये ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हमारे पास प्रीसीडिंग नंबर है ये वाला ये गेन कर जाएगा बाय वन ठीक है बाय वन दैट इज ट्वेल्व पॉइंट थ्री एट इसलिए हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या है ट्वेल्व पॉइंट थ्री एट हमारे रूल में लिखा था कि अगर हमारे पास जो रिमूव करना है वो फाइव से ज्यादा होगा ठीक है तो प्रिसीडिंग नंबर गेन कर जाएगा बाय वन फर्दर देखो अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है पॉइंट जीरो जीरो एट फाइव ठीक है इसके पास टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ठीक है क्योंकि जो जीरोज हैं वो क्या है वो पहले हैं यहाँ पे और ये हमारे पास कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होती है तो और क्या है इसमें अगर हमारे पास अगर ट्वेल्व पॉइंट जीरो 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 दिया हुआ है तो हैज अ टोटल ऑफ फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइव ठीक है क्योंकि जो जीरोज हैं वो डेसिमल के बाद हैं तो वो क्या हो जाएंगी सिग्निफिकेंट तो इसमें कितनी हो जाएंगी फाइव

एंड दस हैव एन इन्फानाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो जो एक्जैक्ट नंबर होते हैं उनके पास इन्फानाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं एग्जाम्पल देखिए फोर्टी फाइव हंड्रेड है इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना हो तो कैसे कर सकते हैं रिफ्लेक्ट इसको टू थ्री और फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स में फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन की पार्ट थ्री ठीक है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए टू

One, two, three, four. इसमें हमारे पास कितना है अब 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 हम इसको round off करेंगे up to three digits तक यहां पे देखो जरा जो जो हमारे पास है, six क्या है? है, है? है क्या से बड़ा नंबर नंबर ठीक वो कितना हो जाएगा इट विल गेन वन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री फाइव जीरो थ्री ये वाला एग्जाम्पल देखो 5.7849 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने है? इसमें फाइव ठीक है और टू तो थ्री टर्म्स तक हमने इसको रखना है तो रौ फिर यहाँ पेगीट इज फाइव पॉइंट सेवन एट विल रिमेन एज इट इज ठीक है, है, है? ये हमारे पास रहा सी अब आ जाओ अगर हमारे पास ये नंबर है इसको हमें राउंड ऑफ करना है टू फिफ्टी पॉइंट सेवन एट सेवन ठीक है तो सेवन जो है हमारे पास वो फाइव से बड़ा है फाइव से बड़ा है और यहां पे एट ना जो है हमारे पास नंबर वो क्या हो जाएगा इट विल गेन वन तो यहाँ पेगा जीरो से छोटा है ठीक है, है, है तो ये जो प्रिसीडिंग टर्म है कुछ गेन नहीं करेगा तो एज इट इज रहेगा वन हंड्रेड थ्री पॉइंट जीरो टू अब नेक्स्ट आ जाओ नाइन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट वन वन फोर अब यहाँ पे क्या है फोर फाइव से छोटा है ठीक है और

अब इसमें कन्वर्जन करना हमने इंच को सेंटीमीटर में या फिर वर्सा, तो कैसे करेंगे cm, इसको हम कैसे लेन इंच क्वॉंटिटी सच एस टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पर इंच वाला और वन इंच पर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एक्सेट्रर कॉल्ड यूनिट कन्वर्जन फैक्टर ठीक है यूनिट कन्वर्जन के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड देखो ये है चीज क्वांटिटी रिक्वायर्ड और क्वांटिटी गिवन कितनी गिवन है इनटू सीएफ सीएफ इज कन्वर्जन फैक्टर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी जिस क्वांटिटी में हमें वो चाहिए जिस यूनिट्स में हमें वो चाहिए तो कन्वर्जन फैक्टर इज अ फैक्टर इक्वल टू वन दैट कन्वर्ट्स अ क्वांटिटी इन वन यूनिट टू द सेम क्वांटिटी इन अनदर यूनिट अब देखो कन्वर्जन फैक्टर वन एंगस्ट्रॉम ये आपको याद रखनी है चीजें कि कितनी सेंटीमीटर कितने मीटर इसके इक्वल होते हैं तो वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू टेन की पावर माइनस एट सेंटीमीटर ठीक है अगर मीटर में आपने देखना है तो टेन की पावर माइनस टेन हो जाएगी ठीक है अगर नैनोमीटर में देखना है तो टेन की पावर माइनस वन हो जाएगी अगर पीको में देखना है तो टेन की पावर टू तो हो जाएगी ठीक है ये सब चीजें आपने याद रखनी है आप

1.6605 पॉइंट इंटू टेन के पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम ठीक है के जी में करेंगे तो टेन के पावर ट्वेंटी सेवन हो जाएगा और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखेंगे तो नाइन थर्टी वन पॉइंट फोर एट हो जाएगा ठीक है और वन एटमोसफियर इज इक्वल टू वन सेवन सिक्सटी टॉर इज इक्वल टू सेवन सिक्सटी एम एम एच जी और सेवन सिक्सटी सेंटीमीटर एच जी एच डीज मरकरी ठीक है और इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन थ्री टू फाइव इंटू टेन की पावर फाइव ठीक है ये हमारे पास यूनिट्स हैं एटमोसफियर की और इसमें हमारे पास देखते हैं टॉर जो आपके पास इसमें आया टॉर क्या है हमारे पास इट्स नॉन यूनिट ऑफ प्रेशर ऑन द एब्सोलूट स्केल ठीक है यूनिट टॉर वाज नेम्ड आफ्टर द इटालियन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन टॉरिसली हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ बैरोमीटर इन सिक्सटीन तो हमारे साइंटिस्ट के नाम था उनपे ये टोरिसली के ऊपर जो हमारे पास पड़ा है टॉर तो वन टॉर इज डिफाइंड एज वन डिड बाई सेफियर ठीक है ये आप याद कर सकते हैं या फिर हल्का सा आपका साइडिया के लिए मैंने ये देखा है यहाँ पे लिखा है फर्दर आ जाओ इसमें देखते हैं वन कैलरी वन एट जूल्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखेंगे तो टू पॉइंटीन हो जाएगा वन अर्ग इज इक्वल टू टेन के पावर माइनस सेवन जूल्स और कैलरीज cal में देखेंगे तो टू पॉइंट थ्री एट नाइन इंटू टेन की पावर माइनस एट हो जाएगा

ठीक है। क्वल टू थ्री पॉइंट सेवन इन टेन की पावर टेन डिस पर सेकेंड ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है माइनस नाइनटीन जूल थ्री पॉइंट एट सेवन इंटू टेन के पावर माइनस ट्वेंटी कैलरीज अगर कैलरीज में देख रहे हैं और वन इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट क्या होती है जो यहाँ पे हमने यूज करा भी ई एस यू इस थ्री पॉइंट थ्री थ्री फाइव सिक्स फोर इंटू ट्वेन के पावर माइनस टेन ठीक है ये अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है अभी न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आप ये कन्वर्जन यूज करोगे तो जैसे जैसे यूज करते रहोगे आपको वैसे वैसे चीजें याद होती रहेंगी ठीक है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है आप धीरे धीरे आप इसको देखोगे तो आपको याद होने लग जाएंगी अगर हमने यूनिट कन्वर्जन करना है इमेजिन करो एग्जाम्पल अगर हमने करना है वी वॉन्ट टू नो हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन फोर किलोमीटर्स फोर किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें पता है वन किलोमीटर इज इक्वल टू थाउजेंड मीटर्स ठीक है और फोर किलोमीटर में हमने देखना है तो फोर किलोमीटर इज इज इक्वल टू दैट मीटर्स आर देयर इन तो कन्वर्जन फैक्टर हमने क्या यूज करा इसमें थाउजेंड मीटर्स ठीक है meters, अगर हमें ये चीज पता है तो वी कैन कन्वर्ट इजिल अगर ये चीज नहीं पता होगा तो हम कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे ठीक है तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे यूज करेंगे तो हमें पता लगता रहेगा और फर, हम इनको जैसे जैसे यूज़ करते रहेंगे वैसे वैसे मैं पता लगता रहेगा ठीक है तो ये थे कन्वर्जन फैक्टर अब इसके बाद जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में ठीक है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको कोई भी टॉपिक रिपीट करवाना हो या कुछ भी कंफ्यूजन हो क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसमें लिख के बता सकते हैं